आपको 33% लोग जो है वो क्या देख रहे थे? वो क्या देख रहे थे आप बता ये देख रहे थे टक्कर दी है टक्कर के लोग यही है टक्कर के लोग क्या है वो जो 67% लोग देख रहे थे यार वो क्या शबान आज जो हमने सोशल एक्सपेरिमेंट किया है बिल्कुल हम गए मुख्तलिफ जगहों पर गए तो आप क्या कहते उसके बारे में जो आपने देखा कितने थे वो लड़के वो लोग कितने तकरीबन 20-22 लड़कों के पास हम गए हैं जिनको हमने देखा कि यार साथ के बाद में ऑनलाइन वर्क हो रहा है बहुत ज्यादा तो हमने कहा यार देखें सही ऑनलाइन वर्क करके रहे जिस तरह शफीका इकबाल एक लड़की थी हमारी साथ के बाद की लड़की थी और गूगल में जाके ऑफिस में उनकी जॉब हुई अब तो गूगल अप्रिशिएट किया बहुत ज़्यादा अब जो है उसका ऑफिस जो गूगल का पाकिस्तान में भी खोलने जा रहे हैं तो हमने देखा कि यार देखें तो सही साथ के बाद में और भी यूथ जो है उस तरफ जा रही है यूथ बिल्कुल जा रही शबान बिल्कुल जा रही है मैं आपको बताऊं जो आज हमने जो सोशल एक्सपेरिमेंट किया वो यही तो था इसी बात पे था कि ऑनलाइन काम सादिकाबाद में जो लोग इतना कर रहे हैं इतनी शद्दोमत से उसको कहा जा रहा है अमेजोन है बहुत सारे ऐसे हैं तो सादिकाबाद से मैं तो ये समझता हूँ कि यार सादिकाबाद से जो गूगल का जिस तरह आपने कहा ऑफिस खुल रहा है यहाँ सादिकाबाद पाकिस्तान में तो सादिकाबाद से लोग पीएन या चौकीदार तो नहीं जाएंगे ना वहाँ टैलेंटेड लोग जाएंगे 10% जरूर जाएंगे क्या समझते हैं आप 10% बिल्कुल जी 10% वो लोग होंगे जिस तरह मैं यही बता रहा हूँ कि नौजवान नस्ल में से 30 साल 35 साल 22 साल 25 साल और इससे बड़े लोगों को भी हमने देखा ऑनलाइन हाँ, हाँ, वो बस ऑनलाइन काम पे जब हमने देखा कि यार ये लोग आगे जाने वाले हमारे साथ के बाद के तो वहाँ पे जो है वो देखा कि वो कौन सा वर्क कर रहे हैं तो हमें जो नजर आया आपने भी देखा वो हाँ, अच्छा बड़े हैरान हुए कि यार ये लोगों में इतना टैलेंट है और इतना ये इन लोगों के असल में देखें सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपने वक्त का सही इस्तेमाल बिल्कुल ठीक है हमने जो 33-34 जो लड़के हमने वो सिलेक्ट किए थे उसमें से 6 वो बाबा थे थोड़े बुजुर्ग थे उससे भी बड़ी उम्र के थे तो उन लोगों का जब हमने देखा पैशन देखा उन लोगों का हमने देखा किस तरह वो बेचारे अपने काम को अपने लगन के साथ लगे उनको खाने का होश नहीं था यार ऐसे ही ऐसे ही हमें चाय नहीं किसी ने पूछी और पता है आपको 33% लोग जो है वो क्या देख रहे थे वो क्या देख रहे थे आप बता ये देख रहे थे अच्छा उसके बाद जो है जाद भाई बाकी लोगों को भी आपने देखा हाँ यार वो मैं बड़ा हैरान हुआ उनसे हाँ। असल में वो ही पाकिस्तान की क्रीम है अब देखें आप आज सुबह आपने एक बात कही थी आपने कहा कि इस चीज को यही मत्था दे सकते हाँ, टक्कर दी है टक्कर के लोग यही हाँ, है टक्कर के लोग क्या है वो जो 67% लोग देख रहे थे यार वो क्या क्या कमाल है यार क्या कमाल है वो ये चीजें देख रहे थे यार देखो लौटा पावा। ये हमारी बदकिस्मती है शबान के हम लोग अपने टैलेंट को प्रमोट नहीं कर रहे आपने अजय को प्रमोट किया आपने अभी वो पहलवान को सैफ पहलवान को किया माशाल्लाह वो कह रहे टैलेंट को क्यों अगर इतनी व्यूअरशिप हमारे टैलेंट सादिकाबाद के टैलेंट को मिल जाए यार ये भी जा सकते हैं मुझे चैनल्स पे हैरत होती है चैनल्स वाले क्या कर रहे हैं अब देखें कि जितने भी अब ये अख्तर लावा जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं वहाँ पे अख्तर लावा साहब बैठे हुए बाकी जो चल रही है वहाँ पे मेरा दिल ये पुकारे चल रहा है और बहुत सारे लोग उनको धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं धड़ाधड़ उनके ऊपर वीडियोस बन रही हैं मीम्स बन रहे हैं और बाकी जितने भी हमारा टैलेंट है जिसमें इतने इतने बड़े मेडल लिए हैं बच्चों ने वो हमें नज़र ही नहीं आ रहे कहीं भी तो इसके ऊपर बड़ा अफसोस भी होता है कि यार हमारी यूथ किस तरफ जा रही है हम सोशल मीडिया को नेगेटिव बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं पॉजिटिव यूज़ करने की बजाय तो बाकी लोगों को इसके तरफ भी देखना चाहिए बाकी टीवी चैनल को भी इस तरफ देखना चाहिए कि हमें उन लोगों को प्रमोट करना चाहिए उन लोगों को सामने लेके आना चाहिए कि ना के इन लोगों को अच्छा मुझे वैसे हैरत है माधुरी ने भी उस पर डांस कर दिया यार हाँ जी मैं बस मुझे माधुरी पसंद ही नहीं है शुरू से पसंद नहीं थी इस बात से तो मुझे और नापसंदीदा वो शख्सियत में शामिल होगी एक आपका फैन कम हो गया अच्छा मैं ये कह रहा था एक और बात जिस तरह आपने प्रमोट किया एजुकेशन को स्पोर्ट्स को और लोग भी बहुत सारे काम कर रहे हैं सादिकाबाद के या ज़िला रहीमिया खान के ख़ास तौर पर जो लोग हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या नौजवान हैं जो देखते हैं व्यूअरशिप देते हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आगे आएँ थोड़ा सा ट्रेंड्स चेंज करें यार पाकिस्तान पूरा बेशक फॉलो करें पूरी दुनिया उनको फॉलो करें आप थोड़ा सा मुख्तलिफ फ़ुक्र दिखाएँ क्या ख्याल है बिल्कुल ऐसा होना चाहिए मुख्तलिफ होना चाहिए भाई जिस तरह साथ के बाद की अगर बात करें अगर अजय की बात करें तो उसको भी पूरी दुनिया ने देखा यहाँ तक कि भारत मुल्क ने उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया उनके मीम्स बने उसको वीडियोस उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बनी अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करके देखेंगे यूट्यूब के ऊपर तो आपको उसकी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी तो ये हमारे हीरोज आप देखें उससे क्या हुआ सोशल मीडिया का एक वीडियो वायरल हुई उससे उसकी पूरी ज़िंदगी संवार दी अब वो पढ़ रहा है वो जब तक पढ़ता रहेगा उसकी सारी तालीम फ्री इसी तरह जो बाकी लड़का था सैफ पहलवान
अब किसी को पता ही नहीं था कि यार एक झुग्गियों में रहने वाला इतना बड़ा टैलेंट है उसके अंदर। अब वो देखिए अब वो प्रमोट हुआ तो बाकी चैनल ने भी उसके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा, हमें ऐसे लोगों को आगे लेके आना चाहिए। ऐसे लोग हमारे हीरोज हैं, ना के ऐसे लोग जो बार बार आके। और ये पाकिस्तान का मनफी तासर जा रहा है, ये लोग नहीं समझ रहे इस चीज को। टाइम बर्बाद नहीं करना। अभी वो दीवार पे हमने जो देखा था क्या लिखा हुआ था, ये सादकाबाद का पावा बंगाली बावा। अभी आप देखो जादूगरों ने भी अपने नाम ऐसे करने शुरू कर दिए। ओके बंदे ने वीडियो बनाई है तो नौजवानों कुछ कुछ ख्याल करें यार, कुछ ख्याल करें अपना वक्त जो है। अच्छा आपने रिकॉर्ड भी कर लिया, अपनी पढ़ाई में लगाए और ये हमारे रिकॉर्डिंग और ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए है, ऐसे लोगों को प्रमोट इसको करें। बिल्कुल शेयर ना करें क्योंकि इसमें वो चीज नहीं है। हाँ, ये